Welcome to TV11 News. Two chairmen of Telangana State Waqf Board, present and the past, former chairman Masiullah Khan and Sayyid Azmatullah Husseini's first meeting held at Waqf Board on the ongoing issues of TMRIES and Garden View Waqf Mall. During the previous government's rule, 125 acres of land was sanctioned for the graveyard on the report of Akbar Owaisi. A report was also furnished to the new government for the allotment of the land. For all sects of Muslims as per 5 to 6 acre, an amount of rupees 20 crores was sanctioned for the Hajj House, a Waqf Mall backside property. However, in the last 6 months, no work has been done for the minorities by the Congress. Rupees 20 to 25 per square feet is allotted, which is not as per the government promises, and the Waqf Board has decided that this should be discussed in a meeting by the Waqf Board. Let's take a look at this detailed report. If you haven't already, please follow TV11 News Live by subscribing to us on YouTube, like and comment on this video, and follow TV11 News Live on Facebook, Instagram and Twitter. खासकर यहाँ पर वक्फ बोर्ड को आकर चेयरमैन साहब से नुमाइंदगी की गई है कि इससे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में केसीआर साहब ने 125 एकड़ जो कब्रस्तानों के लिए ज़मीन अलाट की गई थी उसकी जो सो टोटल डिमार्कर का लैंड हम यहाँ पर जियो निकाल कर जो सो हम ज़मीन यहाँ दिए थे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर ये काम हुआ था, जिसमें हम खासकर जितने TRS का माइनॉरिटी सेल है ये चीज़ चेयरमैन साहब को बोलने आए हैं कि जल्द से जल्द वो अलाट करिए लैंड, जितने भी हमारे पास जितने भी फिरके है जैसा कि जमात तबलीगी जमात के शिया भाइयों के लिए, इवन खोजा मुस्लिम्स के लिए भी और भोरे भाइयों के लिए जगह अलाट की गई थी, उसकी आप जल्द से जल्द हल अलाट कर कर सबको 6-6 एकड़ या 5-5 एकड़ के हिसाब से दिया गया था, जियो है उसका। और ख़ास कर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है KCR साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपये दिए थे, जो बिल्कुल हजोस के बाजू की प्रॉपर्टी है, जो गुस्सा में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्फ प्रोटेक्शन सेल कर कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है। जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ पे जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ। और ख़ासकर अनिसुल गुरबा का जो इशू चल रहा है, मैं उसके ताल्लुक से भी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल गैर कानूनी एग्रीमेंट है, क्योंकि जब भी टिमरीज को कोई प्रॉपर्टी टिमरीज वाले जब भी किराए पे लिए हैं कलेक्टर की मौजूदगी में, कलेक्टर साहब जो उसका रेंट फिक्स करके लिया गया है, जो अगस्त 1 तारीख को जो इसका एग्रीमेंट हम अभी मालूम करके मैं देखा हूँ तो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट है जिस किसी को भी किराए पर देना है वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड डिसाइड कर कर बोर्ड मेम्बर मीटिंग में डिसाइड कर कर किराए पर दिया जाता है। और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज़ छोड़कर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी अगर टिमरीज किसी से ली है तो मैं DMO साहब से RTA डालकर भी निकाल के चेक करें हैं, मालूम करें हैं, ये 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। मैं हुकूमत को ये गुजारिश करता हूँ, मुताबला करता हूँ खासकर हमारी पार्टी की जानिब से कि जो भी ऐसे फैसले हैं वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बाज़ाब्ता उसकी जो कार्ड वैल्यू है MRO अपॉइंट कर कर उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए, ऐसा गैर कानूनी नहीं दे, क्योंकि ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नस्लों से हमारे बड़े जो हमारे छोड़कर गए हैं, ये प्रॉपर्टी हर मुसलमान का एक फरीज़ा हकीकी फरीज़ा ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ बचाए और ऐसे चीज़ों में आगे बढ़कर आए, भले ही TRS बोल के नहीं कोई भी जमात ऐसी ना हो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो लोग आगे बढ़े। शुक्रिया। अपने को क्या है बोले तो इसका एक मसले का हल निकलना है, आप रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसके लिए मैं दो चीज आप बिल्कुल आप लोग हैं भाई आप लोग हैं ये नहीं ये सुपीरियर एक तो एक यू हैव टू डिसाइड बता दो आप सुपीरियर है साहब आप ही डिसाइड करना है क्या बोलो एक तो मैं बिहाफ ऑफ हमारा बोर्ड क्या है हमारा मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड ये इशू को मैं गवर्नमेंट के नोटिस में भी लेके गया एक 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 हम सब उसको रिजॉल्व कर रहे हैं इशूज को एक तो अनिल गुरबा का वहां पे परमानेंट बच्चे
गवर्नमेंट का ये स्टैंड है एज एन वक्फ बोर्ड चेयरमैन आपको बोल रहा हूँ, वहाँ पर आप 100, 200, 400 जरूरत पड़ेंगे तो टेम्परेरी के ऑफिस वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अन्य शुल्क बाकी रहेगा। ठीक है, उसका जो इनकम रहेंगे अन्य शुल्क बाकी जो भी रेंट आएगा उसके साथ अटैच प्रॉपर्टियाँ कब्जा हो गया तो नहीं वो आप भी नहीं ले सके, आपसे पहले वाले भी नहीं ले सके, लेकिन अपन उसको कोशिश करें निकालने की। उसका जो किराया है वो भी उसी के अकाउंट में जाएगा, कोई वक्त का अकाउंट में नहीं आएगा, उसी का अकाउंट रहेगा। एक असिस्टेंट बच्चों का अलग बच्चों का अलग, नहीं तो फिर मुसलमानों में ये होता है रिहाइश के लिए भी है एमरेस कहीं भी रहता रियाज के साथ ही से वो तो उसके लिए हम एक जगह कर रहे थे। मैं क्या बोलूं, क्लब के उसको एक जगह पे नहीं होता ना, क्लब कर रहे थे उसको एक जगह पे तो नहीं होता। सेंटर पॉइंट है शमशाबाद, आपको रंगारेड्डी क्या हैदराबाद के सेपरा जितने लोग हैं वहाँ पे सब मैं क्या आप समझ रहे हैं रियाज स्कूल है ना, हर स्कूल एक काउंटी से जाना जाता है जो जिसके माँ बाप निजामबाद से हैदराबाद आने सोचते थे माशी हालत उनकी खराब थी, वो बच्चे नासा को गए। गवर्नमेंट का पॉलिसी था वो गवर्नमेंट के पॉलिसी वो नहीं है सर, हम एक ही चीज है ये हमारी नुमाइंदगी है इसका क्या है सही उसका क्योंकि